मेरे पे ये फर्ज भी था कि मैं यहाँ पे आऊं आप उनके साथ, फिर वो जो इंटरेक्शन होती है ना फेसबुक पे या दूसरे आप तो यूट्यूब पे चले जाए वो ठीक है, जो चीज मैंने देखी है ना आने वाले जो 10 साल है ना, अगर आप पूरी दुनिया की स्टैट्स को इकट्ठा कर दो, आने वाले जो 10 साल है ना, इन 10 सालों में 5 ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें जॉब, जिनमें नौकरियां बहुत ज्यादा क्रिएट होंगी। 5 फील्ड्स है, टॉप पे आईटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आईटी की दो फील्ड में से टॉप पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई। दूसरे नंबर पे डेटा साइंस है, तीसरे नंबर पे ई कॉमर्स है, फोर्थ वन पे इंजीनियरिंग है और फिफ्थ वन पे मेडिकल साइंस है। अब मेडिकल साइंस में ना, मेडिकल साइंस में दो चीज आ जाती है, एक तो डॉक्टर्स एमबीबीएस कह रहे हैं, बीडीएस कह रहे हैं, और साथ ही साथ अब वो जो वेटरनरी के डॉक्टर्स हैं, ये एक, और साथ ही साथ पैरामेडिकल स्टाफ। याद रखिएगा, हर एक फील्ड का खात्मा हो सकता है, हर फील्ड में फ्लक्चुएशन आ सकती है, किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन एक फील्ड जो कॉन्स्टेंटली ऊपर बढ़ती है, जो आगे बढ़ती है, वो मेडिकल की फील्ड है। आप जानते हैं अगर इंसान है, जानवर है या इंसान है, तो इंसान के साथ बीमारियां भी वाबस्ता होती है और उनके ट्रीटमेंट के लिए आप होते हैं। यानी आप जिस फील्ड को चूज करने जा रहे हैं, जैसे आप एमडी कैट उसके बारे में भी सफलता कामयाब करें, उसमें उसमें तरक्की ही तरक्की है।